दुष्यंत अपने हाथ में से एक मुद्रिका निकालकर शकुंतला की उंगली में डाल देते हैं। दुष्यंत, जब मेरी याद आए तो इस मुद्रिका को अपने होठों से लगा लेना, तुम्हारा प्रेम मुझ तक पहुंच जाएगा। जिस व्यक्ति के लिए तुम सब कुछ भूल गई हो, वे व्यक्ति तुम्हें इसी क्षण भूल जाए, यही तुम्हारे लिए उत्तम होगा। यह कहकर द्वारशा ऋषि तो ये प्रेम अगन दोनों ओर एक सी लगी है। हे प्रिय, तुमसे मैं क्या कहूं, मेरा हाल तो उस पपीहे जैसा है जो कि सामने चाहे उसके नदी का स्वच्छ जल हो पर वो वर्षा की बूंदों से ही अपनी प्यास बुझा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं प्रियम शकुंतलम ऑडियो बुक का तीसरा अंक, चौथा चरण, श्रृंगार रस। कथा सुनने के उपरांत दुष्यंत अब अपने शिविर में लौट आए। अब बस शकुंतला का ही चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। दुष्यंत मन में, मुझे तो पहले ही विचार आया था, यह कोई जरूर कोई अप्सरा अंश है, मनुष्यों में ऐसा रूप और आकार शायद ही पहले गढ़ा गया हो। शकुंतला की वाणी में क्षत्रियों सा रोब, ऋषियों सा ज्ञान टपकता है। अगर ये हस्तिनापुर की पटरानी होना स्वीकार कर ले तो हमारा राज्य धन्य हो जाएगा। अब दुष्यंत हर रोज आश्रम जा घंटे अपना समय शकुंतला संग बिताते, ऐसे प्रेम लाभ करते। कई दिन बीत जाने के पश्चात अब शकुंतला के मन में भी प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। तभी तो वो कुछ अकेले अकेले रहने लगी थी, अपनी ही धुन में कुछ सोच कर स्वयं मंदहास करती। अब शकुंतला को अपने खान पान और अन्य क्रियाओं में कोई रुचि ना रही। एक दिन शकुंतला से मिलने जब उसकी सखियां आईं, तो उस दिन शकुंतला को तेज ज्वर ने पकड़ लिया था। प्रियवंदा, हे सखी, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? अब प्रियवंदा शकुंतला के माथे पे हाथ लगाती है। हाय सखी, तुम्हारा बदन तो ज्वर से तप रहा है, मुझे लगता है कि तुमको दुष्यंत से प्रेम हो गया। अनसुईया, हाँ सखी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ना जाने उस दुष्यंत ने इसके मन पर क्या जादू कर दिया है। यह कहकर दोनों सखियां खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। शकुंतला, सखियो कुछ भी बोलती रहती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उधर प्रियवंदा की नजर शकुंतला की चारपाई पर डाले बिछोने के नीचे अर्ध छुपे बोझ पत्थर पर पड़ी। उसने धीमे से उस बोझ पत्थर को निकाला। शकुंतला यह देख प्रियवंदा की तरफ भागी। शकुंतला गुस्से में, यह बोझ पत्थर मुझे लौटा दो, ये मेरी निजी वस्तुओं को टटोलना तुम्हें शोभा नहीं देता सखी। परंतु प्रियवंदा कहां मानने वाली थी। प्रियवंदा, अच्छा प्रेम पत्र, तो निश्चित रूप से हमारी सखी प्रेम पाश में पड़ गई है। यह कहकर प्रियवंदा अपने आप को शकुंतला से बचाते हुए दूर जाकर उस प्रेम पत्र को अपने हाथ में लेकर ऊंचे स्वर में पढ़ने लगी। कहना चाहूं पर कह नहीं पाऊं, मुझे लाज आए रे, लिखना चाहूं पर लिख नहीं पाऊं, ऐसे शब्द कहां पाऊं रे। वाह सखी, तुम तो बड़ी अच्छी कविता कहती हो। इतने में वहां पर दुष्यंत वहां पर आ जाते हैं। अब प्रियवंदा वो प्रेम पत्र को दुष्यंत के हाथों में थमा देती है और कहती है कि ये प्रेम पत्र तो राजन आपके लिए लिखा गया है, आपको ही पढ़ना चाहिए। अब दुष्यंत प्रेम पत्र को पढ़ना शुरू करते हैं। कहना चाहूं पर कह नहीं पाऊं, मुझे लाज आए रे, लिखना चाहूं पर लिख नहीं पाऊं,
ऐसे शब्द कहां पाऊं रे। अंग अंग जले पर मीठी लागे, ये कौन अगन जलाए रे। लागी प्रेम की अगन मुझे, जो अंग अंग जुलसाए रे। तेरे हृदय का हाल न जानू, मुझे चा तड़फाए रे, मुझे चा तड़फाए रे। खत पढ़ने के बाद दुष्यंत शकुंतला के करीब आकर कहते हैं, तो ये प्रेम अगन दोनों ओर एक सी लगी है। हे प्रिय, तुमसे मैं क्या कहूं, मेरा हाल तो उस पपीहे जैसा है, जो कि सामने चाहे उसके नदी का स्वच्छ जल हो, पर वो वर्षा की बूंदों से ही अपनी प्यास बुझा सकता है। वैसे ही हे प्रिय, ये दुष्यंत तुम्हारे प्रेम से ही अपनी प्यास बुझा सकता है। तुम्हारा प्रेम ही इस दुष्यंत के मन को शांत कर सकता है। हे प्रिय, मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो, नहीं तो ये दुष्यंत अपने भीतर लगी अग्नि से स्वयं ही जलकर मर जाएगा। शकुंतला, आपकी इन बातों ने मेरे तपते शरीर को चंदन सा शीतल कर दिया। मेरे भीतर जो एक डर पनप रहा था, जिसको आपने दूर कर दिया। दुष्यंत शकुंतला का हाथ पकड़कर, कौन सा डर प्रिय? शकुंतला, यही कि अगर आपने मेरा प्रेम को स्वीकार ना किया होता, तो मैं बिन जल की मछली की भांति इस ज्वर से तड़फ तड़फ कर अपने प्राण तज देती। दुष्यंत शकुंतला के मुंह पर हाथ रख लेते हैं। दुष्यंत, नहीं शकुंतले, तुम नहीं जानती, तुमने मुझसे प्रेम कर मेरे जीवन को पूर्ण कर दिया। प्रेम के इस मधुर क्षण में दोनों गंधर्व विवाह के लिए राजी हो जाते हैं। कहते हैं कि उस समय गंधर्व विवाह को समाज की स्वीकृति थी। इसमें विवाह समाज के सामने ना होकर पति पत्नी एक दूसरे को वचन दे विवाह बंधन में बन जाते थे। अब आगे के कुछ दिन कैसे गुजरे ये कहने में मैं असमर्थ हूँ। ना जाने इन प्रेमियों को एक दूसरे को स्पर्श करने, घंटों मौन में एक दूसरे का आलिंगन कर बैठे रहने, कभी एक दूसरे की गोद में सर रख कर घंटों लेटे रहने में कौन सा सुख मिलता है। इस प्रेम रस में दोनों को डूबे हुए एक माह बीत गया, समय का कुछ स्मरण ही नहीं रहा। तो दोस्तों, अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा। अगले एपिसोड से कुछ क्लिपिंग शेयर कर रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। मित्र, क्या करूं, शकुंतला के प्रेम से मन ही नहीं भरता। उसका प्रेम इंद्र के सोमरस से भी अधिक मादक है। जितना चखो उतनी प्यास बढ़ती जाती है। जिस व्यक्ति के लिए तुम सब कुछ भूल गई हो, वे व्यक्ति तुम्हें इसी क्षण भूल जाए, यही तुम्हारे लिए उत्तम होगा। यह कहकर द्वारशा ऋषि तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रियम शकुंतलम ऑडियो बुक का तीसरा अंक। इसका पहला और दूसरा अंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसको आप सुन सकते हैं। और आपके सामने चौथा अंक लेकर मैं जल्दी प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद।